लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था कि टंग आपका कैसा बहुत अच्छा आपको जन्नत की सैर करा सकती है या फोर प्ले में बहुत हेल्प कर सकती है। अब मैं बात करूंगी आपके फिंगर्स की, जो मेरा सबसे फेवरेट दूसरा ऑर्गन है फिंगर्स। फिंगर्स बहुत हेल्प करती हैं आपके एक्चुअली सेक्स परफॉर्मेंस में, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं सिर्फ जेनिटल्स रबिंग ही सेक्स होता है। तो डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आपकी उंगलियां आपके पार्टनर को चरम सुख तक पहुंचा सकती हैं, कैसे करना है, कहाँ कहाँ छूना है ताकि उनको मदद मिले। बात करते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ फोर प्ले की ऐसी टेक्निक जो अगर आप नहीं यूज करते हैं तो आप बहुत बड़े नुकसान में हैं, और कैसे आपकी उंगलियां जादू करती हैं मैं बताऊंगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और अपने पार्टनर को इसे जरूर दिखाएं ताकि वो भी आप इसका इस्तेमाल कर सके और आपको बहुत अच्छा सुख दे सके। तो क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करें और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए, मैं बात कर रही थी आपकी फिंगर्स की। आपको पता है जो फिंगर्स है ना, वो बहुत अच्छा तरीका है किसी को भी अराउज करने का। जब हम फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने पार्टनर के ऐसे एरियाज को टच कर सकते हैं जिससे वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाए। टर्न ऑन का मतलब समझते हैं, स्विच ऑन मतलब रेडी टू गिव यू। तो अगर ऐसे में अगर आप अपने फिंगर्स का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं तो गड़बड़ है। कई लोग ऐसे हैं जो सेक्स परफॉर्मेंस करने के लिए अपने हाथ को छूते ही नहीं है, उनको लगता है सीधा कपड़े खोलो और शुरू हो जाओ। जबकि अगर आप कहीं ना कहीं फोर प्ले कर रहे हैं और ऐसे में आप अपने हाथों को मेन बना ले तो बहुत हेल्प करते हैं। जैसे फीमेल अगर चाहे तो मेल के सर के बालों से लेकर उनकी गर्दन से लेकर नाक, मुंह, आपके जो चीक्स हैं से लेकर क्लेवाइकल एरिया, आपके शोल्डर्स, उनकी निप्पल्स, मेल्स की निप्पल्स, नेवल एरिया के आसपास या फिर उनकी बैक पर, जितना फीमेल अपनी फिंगर्स को फेरेगी उतना मेल ज़्यादा एक्साइट होता है। एज वेल एज अगर आप मेल के जेनाइटल को, मतलब पेनाइल एरिया या फिर जो हम बॉल्स की बात करते हैं, है ना, या हम टेस्टिकल्स की बात करते हैं, वहाँ पे वो जितना रब करेगी, ठीक है, मतलब एक तो हम माउथ से ब्लो जॉब कर रहे हैं, एक हम हैंड जॉब कर रहे हैं, मतलब अगर हम हैंड से स्पेशली पेनिस को जितना हम मूव करेंगे या फिर उसको रब करेंगे या फिर उसको एक रिदम देंगे, उतना आपका पार्टनर जल्दी इरेक्टेड होता है और वो जल्दी मूड में आता है। आप बातें साथ साथ करते रहें और साथ साथ रबिंग करते रहें। कभी कभार ऐसे है कि अगर आप अंडरवेयर में हाथ डालकर उनको थोड़ा सा रब कर रहे हैं या फिर वहाँ पर अपनी फिंगर्स के साथ खेल रहे हैं तो अल्टीमेटली आपका पार्टनर मूड में आता है और आपके साथ बिल्कुल रेडी हो जाता है परफॉर्म करने के लिए। थाइस से लेकर आपके एनल एरिया से लेकर बटक्स में, बम्स में, कभी कभार कई लोगों को शौक होता है स्पैंकिंग का, मतलब थोड़ा सा मार दिया, है ना, इस तरीके से भी लोग बहुत इंटरेस्टेड है और आपका हाथ और आपकी फिंगर्स बहुत कमाल कर सकते हैं। साथ में अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी बहुत सारे एरियाज हैं, उनके बालों से लेकर लिप्स हो सकता है, है ना, उनके चीक्स हो सकते हैं, आइस पे थोड़ा सा आसपास फिंगर्स ऐसे टच करना हो सकता है, गला हो सकता है, क्लेविकल हो सकता है, आर्मपिट हो सकती है, ब्रेस्ट पे, निप्पल्स पे अगर आप फिंगर्स के साथ प्ले करते हैं तो फीमेल को बहुत अच्छा लगता है, नेवल के आसपास हो सकता है, स्कैपुलर बोन, मतलब जैसे हम लव हैंडल्स बोलते हैं वहां पे करते हैं तो फीमेल्स को अगर आप छोटा सा ऐसे टच कर देते हैं, है ना, बहुत सारी मूवीज में भी ऐसा दिखाया है कि लड़के रोक नहीं पाते हैं फीमेल की कमर को देखकर उस पे हाथ फेरना या हाथ फिंगर्स के साथ खेलना, तो ऐसे अगर आप टच करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अराउज्ड होती हैं फीमेल्स। या फिर थाई, स्पेशली फिंगरिंग की अगर मैं बात करूँ तो फीमेल को बहुत अच्छा लगता है। मेल्स को एक्चुअली ये लगता है कि जब आप इंटरकोर्स कर रहे हैं या सेक्स कर रहे हैं तो जो उनका वजाइनल होल है वहीं पर बार 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 पेनिट्रेशन करना है, विच इज़ नॉट राइट। फीमेल की बॉडी पे अगर आप ऊपर से नीचे तक पूरा फिंगर करते हैं, मतलब योर होल क्लाइटोरिस टू वजाइनल होल, अगर आप अच्छे से उसके साथ प्ले करेंगे, जिसमें मैं फीमेल्स को बोलती हूँ कि डोंट जस्ट डायरेक्टली प्ले विद पेनिस, प्ले विद द होल एरिया, तो ऐसे ही अगर आप पूरे फीमेल के पूरे एरिया को मसाज करते हैं फिर आप धीरे धीरे इंसर्ट करने की कोशिश करें, चाहे वो फिंगर है चाहे वो आपका पेनिस है, तो फीमेल बहुत अराउज्ड होती है। इट गोज सेम विद योर एनल एरिया, इट गोज सेम विद योर बम्स, विद द
फीट्स, कई फीमेल्स को बहुत ज़्यादा पसंद है कि उनके फीट्स को टच किया जाए, लिक किया जाए, फिंगर्स के साथ प्ले किया जाए, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने फिंगर्स को ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि मेरे हाथ का सेक्स में क्या रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको पता है कि मैंने कहाँ हाथ फेरना है, कहाँ छूना है, कहाँ टच करना है, कहाँ कैसे मसाज करनी है, मेरा हाथ कितना सॉफ्ट होना चाहिए, कितना गर्म होना चाहिए, तो आपका पार्टनर बहुत इंजॉय करता है। साथ साथ ज़रूरी है कि जब भी आप अपने हाथों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपके हाथ सॉफ्ट हों या फिर आपके जो नेल्स हैं वो कटे हुए हों, ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो सके। सॉफ्ट होने के लिए वैसा नहीं है कि किसी के हाथ सॉफ्ट नहीं है तो वो क्या करे, एक अच्छा सा आप जेल अप्लाई कर सकते हैं, क्रीम्स अप्लाई कर सकते हैं, ल्यूब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में जो एक्चुअली सेक्स परफॉर्मेंस के लिए होती हैं, उसे कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि धीरे 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 वो आपके ना रूटीन में आ जाएगा, और जब आप इतनी सॉफ्टली सर्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपका पार्टनर रुक ही नहीं पाएगा परफॉर्म करने के लिए। सो आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक लेसन दे पाई है अपने फिंगर्स को यूज़ करने का। तो अगर आप एक मेल हैं, एक फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, अगर आप कहीं ना कहीं एक अच्छा सेक्स एंजॉय करना चाहते हैं तो अपने फिंगर को अपने सेक्स लाइफ में, अपने फोरप्ले में डालना ना भूलें, नहीं तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। प्लीज़ अगर आप कहीं ना कहीं स्पाइस अप करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, तो उसे डेफिनेटली इन्वॉल्व करें। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगी, तब तक मैं डॉक्टर नेहा मेहता, आपका कोई डाउट है, आपको कुछ नहीं समझ में आया, कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। साथ साथ के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। और पर्सनलाइज सेशन बुक करने के लिए www.drnehamehta.com, यहाँ पे आप जाए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। और मेरे दोनों नए चैनल लवोलॉजी सीखो और साइकोलॉजी सीखो, दोनों को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सा कंटेंट उसके ऊपर है। लेकिन इस चैनल पर अपना प्यार देना नहीं भूले, मैं बहुत सारी वीडियो लेकर आती रहूंगी ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं स्पार्क अप करने में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस को। सो बने रहें, जुड़े रहें।